सिविल डिफेंस की इस टीम ने कई घंटों तक मेहनत करने के बाद तीनों शवों को बरामद किया। मेरे साथ इस वक्त सिविल डिफेंस के तमाम ये लोग मौजूद हैं। आपका नाम? असरार अहमद मेरा नाम है, मैं रेस्क्यू टीम से हूँ। और असरार जी बताएं कितने घंटे लगे आप लोगों? सर हम लोग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ गए थे जैसे ही सूचना मिली, और हम लोगों ने आकर के यहाँ से पानी निकाला और पानी निकालने की व्यवस्था की, मगर हमें जब पता चला कि एक बेसमेंट है और उसमें भी नीचे अंदर एक बेसमेंट है, और फिर जब हमने एक ऊपर से सर्च करने की कोशिश की तो कुछ पट्टियाँ टूट करके नीचे बेसमेंट में चली गई। एक बात बताएं कितने लोगों की मौत हुई और क्या वजह आप लोगों को लगी? तीन लोगों की और डेथ हुई है इसके अंदर, एक बच्ची है, एक महिला और एक पुरुष है इसमें। तो ये बताएं ये पट्टियां ढहने दीवार गिरने से मौत हुई या पानी में डूबे? सर पानी में डूबने से, पानी का अचानक से पीछे से फ्लो आ गया बहुत तेजी के साथ, वो हमने देखा है पास वाले फ्लैट में जब अंदर गए तो बड़ा एक हॉल हो गया 3 फीट के करीब का, और वहां से बहुत तेजी के साथ पानी आया पीछे की तरफ से, ताकि उससे वो लोग उनको बचने का मौका ही नहीं मिला। और ऊपर से फिर ये दीवारें और पट्टियां, बिल्कुल ऊपर से दीवार गिर गई पानी के फ्लो की वजह से और वो कॉलेप्स। कई घंटों बाद आप इन शवों तक पहुंच पाए? जब बिल्डिंग कॉलेप्स हो जाती है तो उसके अंदर मलबा और मड बहुत हो जाती है, तो सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और बेसमेंट के अंदर बेसमेंट था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। कितनी गहराई होगी? करीब इसमें 20 फीट के करीब गहराई है आसपास, 10 फीट और 10 फीट। कितने लोग थे जब ये हुआ था? अभी इसके अंदर पता नहीं किया, मगर जब जिस समय मैं आया था तब हमारे को जो परिजनों ने बताया तो उसमें 3 लोगों के मिस होने की सूचना बताई थी। के लिए तो जैसा असरार अहमद बता रहे हैं कि तकरीबन 20 फीट तक दो दो बेसमेंट थे, और उनमें कई घंटों की मशक्कत के बाद टीमों को बचाव कार्य यानी कि शवों को बरामद करने का मौका मिल पाया। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.